हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। ये क्लिप है 25 जनवरी की और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी, आप जो बाहर हॉल में गद्दा बिछाती हो उसको क्या रोज़ उठाकर क्लीनिंग करती हो? तो मैं रोज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, एक या दो दिन में मैं इसे उठा करके क्लीनिंग करवा देती हूँ दीदी से। तो यहाँ पे मैंने ये गद्दा है, ये सारे बिस्तर मैंने फिर से सुखा लिए हैं, बाहर अच्छी धूप निकली थी और मैंने गद्दे को भी रख दिया था थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में, तो गद्दे को भी अच्छे से धूप लग गई है 1 से 2 घंटे की। और बस यहाँ पे मैं इसको वापस से बिछा दूंगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। आज की डेट है 25 जनवरी और आज है सैटरडे और मैं तैयार हो रही हूँ। हमारे जस्ट पास में कीर्तन हो रहा है क्योंकि पास में ही आंटी जी रहती है, उनकी बेटी की शादी है 9 फरवरी की और आज है उनके घर पे कीर्तन, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ और फटाफट से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि कीर्तन स्टार्ट हो गया है। आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी बहुत, है ना? तो बस मैं जा रही हूँ। तो मैंने ये वाला सूट पहना है, लॉन्ग सूट है और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ, साड़ी पहनूँ या सूट पहनूँ, तो फिर मैंने सूट पहन लिया क्योंकि कम्फर्टेबल और जल्दी से पहन लेते, साड़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है और चालू हो गया है कीर्तन इसलिए। तो चलिए चलते हैं, आप सबको भी लेके चलती हूँ, दिखाऊंगी वहाँ पे। मैं तैयार हो गई हूँ और नीचे जो हमारे आंटी जी रहते हैं ना, वो भी साथ में जाएंगे। वैसे पास में ही है लेकिन साथ में जाना अच्छा लगता है ना, तो मैं उनको बोल के आई हूँ कि आंटी आप जाओ तो मुझे बुला लेना। तो वो अभी तैयार हो रही है, 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद चलेंगे। मैं तैयार हो गई हूँ, चलते हैं अभी। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ और जो ग्रीन कलर का सूट पहने हुए हैं, इन्हीं की शादी है 9 फरवरी की और शादी से पहले आंटी जी ने अपने घर पे छोटा सा कीर्तन रखा हुआ था, तो बस हम लोग कीर्तन में आए हुए हैं और आंटी जी भी आई हैं मेरे साथ में जो हमारे नीचे वाले फ्लैट में रहती हैं। तो बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। एक छोटी सी लड़की कन्या बन के, माता रानी बन के आई हैं, कन्या तो वो है ही, तो ये वैष्णो माता जी बनी हुई हैं और पीछे सुंदर सा छोटा सा दरबार सजाया हुआ है माता रानी का, तो सब आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। गुड इवनिंग गाइस। तो मैं आ गई हूँ नीचे से और प्रसाद खा रही हूँ, आधा इन्होंने खा लिया है आधा मैं खा रही हूँ। प्रसाद में केले मिले हैं, केला मिला है, एक ही मिला है और एक ये मिला है, क्या बोलते हैं इसको, चीकू, चीकू मिला हुआ है। तो ये प्रसाद है और मैंने भी एक भजन गाया था लेकिन कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था ना, मैं गा रही थी इसलिए, तो फिर वीडियो नहीं बनाई है। और मैंने भी एक भजन गाया था वहाँ पे, आंटी ने बोला था कि तुम भी सुनाओ एक भजन। तो अभी मैं करती हूँ सूट चेंज और उसके बाद लगती हूँ काम पे। मैं यहाँ से गई थी तो घर बिल्कुल सेट था और वहाँ से आई हूँ पूरा घर फैल गया है, पता नहीं कैसे फैल गया है। क्या किया था, क्या कहना चाह रही हूँ वो बताओ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जब गई थी तो घर पूरा सेट था और मैं आई हूँ तो पूरा घर फैल गया है, बताओ कैसे फैला। तुम फैला के रही होगी, मैं आपको बताऊँ ना गाइस, अभी पूरा घर फैला हुआ है, देखो मैं ये देखो, आपको सारा सामान इधर उधर दिखेगा। अभी करूँगी फिर से सारा काम करूँगी, सुबह दीदी क्लीनिंग करके गई थी अच्छे से। सो गाइस, मैं सूट वगैरह चेंज करके आ गई हूँ किचन में, हमारी तो यही ड्यूटी है, किचन में शुरू होती है किचन में ख़त्म होती है। तो मैं बना रही हूँ चाय और दोनों ही चाय पियेंगे, वहाँ पे कॉफ़ी थी बट मैंने नहीं ली थी, लेकिन मैं यहाँ पे चाय बनाई है आकर के, क्योंकि ये वेट कर रही थी कि मैं कब आऊँगी और कब मैं चाय बनाऊँगी। तो गाइस, चाय पी ली है, ये बर्तन रख देती हूँ मैं और आज मुझे जो स्पाइसेस बॉक्स है ना वो साफ़ करना है, मतलब उसे क्लीन करना है, बहुत गंदा हो रहा है। और ये सारे कपड़े मैं उसमें डालने लग गई हूँ आजकल, बास्केट में, क्योंकि ये है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सारे धुलने वाले कपड़े आजकल इसमें जाने लग गए हैं, ये अच्छी है ये बास्केट, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब कपड़े ना फैले फैले नहीं रहते हैं, सारे धुलने वाले कपड़े इसमें डाल दूँ, जब धोएंगे तब निकालेंगे और तब जाके इसे धोएंगे। तो इसमें डाल देती हूँ और इसको बंद कर देती हूँ। और अभी मुझे भगवान जी की आरती भी करनी है, थोड़ा सा और टाइम हो जाए, अभी तो 6:30 ही है, 7 बजे तक कर दूंगी। और अभी तो मैंने ना ये रनर भी नहीं डाला है, इसको डाल देती हूँ मैं।
आज दीदी आई थी और दीदी ने अच्छे से क्लीनिंग वगैरह की है। और ये जो आप लॉइन देख सकते हैं मैंने पीछे रख दिया है, बैक साइड में आपको दिख रहा है ना, इन्होंने बहुत सारे काम कर दिए आज। ये देखिए, ये देखिए, ये वहां से आए थे ना तो ये मैंने वॉश नहीं किए थे, इन्हें मैंने कल वॉश किया था अच्छे से और आज इन्होंने लगा दिए हैं नाइसली। तो ये देखिए, ये बेडरूम वाले गेट पे लग चुके हैं, पीछे भी लग चुके हैं। कहाँ रख दिया, चलो इसको डालते हैं अंदर। तो कोई भी न्यू चीज़ होती है ना उसे करने में बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ भी चीज़ लगाना या डालना या बिछाना कुछ भी हो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस रनर को किस साइड डालूं, इस साइड डालूं या फिर उस साइड डालूं। अगर मैं उस साइड डाल देती हूं ना तो ऑल टाइम ये पैरों के नीचे ही रहेगा क्योंकि वहां से रास्ता रहता है वॉशरूम वगैरह में जाने आने का, इसलिए मैंने इसको इधर डाल दिया है इस वाली साइड। और इस वाली साइड मैं ही सोती हूँ तो ये मुझे बोल रहे थे कि तुमने अपनी साइड डाल दिया है, मेरी साइड नहीं डाला इनका ये बोलना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डाल दिया है मैंने इसको यहाँ पे। सो गाइस, कुछ लोग बोल रहे थे दीदी आप डबल बेड ले लीजिए, तो बहुत जल्दी लेंगे हम डबल बेड, अभी तो फिलहाल नहीं ले रहे हैं लेकिन लेंगे तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अभी मतलब एक दो महीने तक तो नहीं ले रहे हैं, बहुत जल्दी लेंगे डबल बेड। और किस में लेते हैं, मतलब वुडन में लेते हैं या कोई और दूसरा डबल बेड लेते हैं देखेंगे, अभी उसे सर्च करेंगे, अभी तो नहीं किया है फिलहाल मैंने। और अब मैं जा रही हूँ अपना एक वीडियो एडिट करने के लिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है मैं तुरंत ही अपना वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाती हूँ। दोपहर में भी मेरे पास टाइम था, मैं सोच रही थी कि आज मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, लेकिन सोने का टाइम मुझे नहीं मिला क्योंकि मुझे कीर्तन में जाना था ना, और कीर्तन से आते आते मतलब 2 से 3 घंटे तो हमें लग ही गए थे वहाँ पे। मैं 3 बजे के करीब गई थी और 5:30 बजे वापस आई थी, तो मुझे आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और वीडियो भी एडिट नहीं हो पाया था मेरा। तो फिर चाय वगैरह पीने के बाद सब काम मतलब पूरे घर को सेट करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं बैठ जाती हूँ आधे घंटे के लिए, तो मैं अपना वीडियो एडिट कर लेती हूँ। अगर मैं ऐसे काम में लगी रहूँगी, अगर अब मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन भी अपने हाथ में ले लेती ना, आप सबके कमेंट पढ़ने लग जाती, तो शायद मेरा वीडियो जो एडिट नहीं हो पाता, इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं बहुत देर से इधर से उधर उधर से इधर घूम रही हूँ, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और मुझे फीवर आ रहा है हल्का हल्का सा, तो मैंने अभी एक मेडिसिन ले ली है और उसके बाद उठ गई हूँ क्योंकि डिनर तो बनाना ही है। तो बहुत देर से सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर मैंने इनको बोला कि क्या बनाऊँ बता दो एक बार। तो ये मेरे पास में रखा हुआ है गोभी, फूल गोभी, और मैं सोच रही हूँ कि इसके मैं पराठे बना लेती हूँ, तो बस उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। और साथ में ही कुछ मैं सामान चेक कर रही थी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं ये, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरे पास खत्म हो गए हैं तो मैं सोच रही थी कि इनके साथ में जाऊं। दूध वगैरह भी खत्म हो गया है, दूध वगैरह भी ले आऊं वहां से, और जो सामान मेरे पास नहीं है वो ले आऊं, ये भी काम जरूरी है क्योंकि आपके साथ में रेसिपी भी शेयर करनी होती है मुझे। तो चेक कर लेती हूँ पहले ही कि क्या सामान घर में है क्या नहीं है, तो वही मुझे लाना पड़ता है। तो ड्राई फ्रूट्स वैसे तो सारे हैं मेरे पास में, बस मेरे पास में काजू नहीं है, काजू खत्म हो रहे हैं, बादाम भी है, किशमिश भी है, काजू खत्म हो रहे हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ। और कल है रिपब्लिक डे, तो कल देखते हैं क्या करते हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मेरी तबीयत ना ऐसी चल रही है, कल बहुत ही सर में दर्द हो रहा था, सर में दर्द तो अभी भी है लेकिन फीवर भी आ रहा है आज मुझे थोड़ा थोड़ा। तो चलिए बनाते हैं डिनर, मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। और ये जो स्पाइसेस बॉक्स है ना इसको मुझे क्लीन करना है, कुछ तो ये खाली हो गए हैं तो ये रखे हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा सामान है, मतलब थोड़ा सा धनिया है और थोड़ा सा जीरा है, तो इन्हें मैं निकाल देती हूँ एक प्लेट में, उसके बाद मैं इन्हें क्लीन करती हूँ। तो आप सब लोग इसके बारे में बहुत पूछते हो, हम लोग नहीं पूछते हैं मतलब कुछ लोग पूछते हैं जिन्हें ये स्पाइसेस बॉक्स अच्छा लगता है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीस है, ये इस तरह से 7 डिब्बी है इसमें। तो ये मैंने लिया था इंदौर से और ये मुझे मिला था अराउंड 450 या 500 ऐसे ही मिला था, लेकिन ये मेरा ना थोड़ा सा खराब होने वाला है, खराब होने वाला क्या है, खराब होने ही लगा है, ये आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ गई हैं, है ना, इसे मैं क्लीन कर दूंगी ना तो एकदम से चमक जाता है। और अभी बहुत दिन हो गए हैं मैंने इसको क्लीन नहीं किया है, आई थिंक दिवाली से नहीं क्लीन किया है मैंने, शिफ्टिंग वगैरह सब कुछ कर ली है तो इसको क्लीन करना रह गया था, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ ना तो एकदम चमचमा जाता है ये, तो इसमें दरारें इसलिए पड़ गई है शिफ्टिंग के दौरान, मैं इधर उधर जाती रहती हूँ ना तो पैक करने के चक्कर में इसमें दरारें पड़ गई हैं और कभी कभी ये गिर भी जाती है, हाथ से छूट जाती है। तो
लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तभी मैंने इसको लिया था और ये मैंने इंदौर से लिया था। आप अपने लोकल मार्केट में पूछ सकते हो, आपको इजीली ये मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक जरूर कीजिएगा। तो वैसे ये अमेजोन वगैरह पर जरूर होगा, मैंने चेक किया। तो इसको खाली करके, पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसको खाली करके मुझे अभी वॉश करना है जिससे सुबह तक ये अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद सारे मसाले मैं इसमें भर के रख दूंगी। तो ये सारे काम मुझे करने हैं, मन नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ेगा। सो गाइज ये देखिए मेरा स्पाइसेस बॉक्स कितने अच्छे से चमक गया है ना। मैं 15 से 20 दिन में इसे इस तरह से ही क्लीन कर देती हूँ पूरा सामान निकाल करके। देख सकते हो अच्छा गोभी है ये, और अच्छे से मैंने इसे वॉश भी कर लिया है। और इसे मैं कर रही हूँ ग्रेट, इस वाले ग्रेटर से। तो गोभी के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, गोभी के, मूली के, सर्दियों में इनकी फरमाइश है इसलिए मुझे बनाने पड़ेंगे। मैंने इनको बोला था क्या बनाऊं खाने में, तो बोल रहे थे गोभी के पराठे बना लो। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं और गोभी के पराठे बनाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है इस तरह की चीजें जब बनाते हैं तो, मतलब बीमार दुखी में भी ये सब करना ही पड़ता है, कोई हेल्प ही नहीं है इस टाइम पे। तो ऐसा लगता है कि प्लीज हेल्प मी कोई हेल्प कर दे आके, बीमार हो या दुखी हो फरमाइश तो पूरी करनी है भाई। तो बस मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ, सच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों कर। लेकिन फरमाइश तो आप सबकी भी है, मेरे पति देव की भी है। अगर एक दो दिन ब्लॉग नहीं गया ना तो कमेंट बॉक्स मेरा भर जाना है, दीदी कहाँ हो, आपका ब्लॉग नहीं आया। थोड़ा सा लेट भी हो जाता है ना तो आप सब लोग मेरा इतना इंतजार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। आप बोलते हो कि दीदी कोई नहीं वेस्ट करो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप वेट करो और मैं ब्लॉगिंग ना करूं। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि आप लोग तो मेरा कितना इंतजार करते हो, बेसब्री से मतलब बैठे रहते कि कब ब्लॉग आएगा और तुरंत हम देखेंगे, अच्छा लगता है ना। तो कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी मेहनत मैं भी। तो चलिए मैं इसको पहले ग्रेट करती हूँ, ठीक है, फिर मैं बनाती हूँ गोभी के पराठे। और डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ यार, मैं आपके साथ अपने चैनल पे शेयर कर दूंगी, ओके, क्योंकि डिटेल में शेयर करूंगी तो बहुत टाइम लग जाता है, मतलब कैमरा लगाना होता है बार बार, बंद करो ऑन करो बंद करो ऑन करो, और फिर बहुत ज्यादा काम भी चलता है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। फिर कभी कर दूंगी गोभी के पराठे की रेसिपी शेयर आपके साथ में, और वैसे शायद मैंने अपने ब्लॉग में तो किया ही है शेयर, तो आज मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। और थोड़ा थोड़ा तो आप देख ही रहे हैं, जैसे कि मैं अभी गोभी को कद्दूकस कर रही हूँ। चलिए
तो ये तैयार हो गई है स्टफिंग गोभी की पराठे के लिए। और मैं अभी हॉल में आ गई हूँ आटा लगाने के लिए, तो सोचा कि चलो टीवी देखते जाएंगे और साथ में मैं ये आटा भी लगा के तैयार कर लूँगी। तो मैं बना रही हूँ गरम गरम पराठे और मैं मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे आ जाएंगे कि मस्टर्ड ऑयल में कोई पराठे बनाता है क्या। तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड को रिफाइंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं उनके कहने पर ये मस्टर्ड ऑयल में पराठे बना रही हूँ। और स्टफिंग वाले जो पराठे होते हैं ना, स्टफ पराठे होते हैं, वो मस्टर्ड ऑयल में अच्छे लगते हैं। जो प्लेन पराठा होता है वो मस्टर्ड ऑयल में मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टफ पराठे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। और एक बार आप भी ट्राई करना, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है मस्टर्ड ऑयल। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, ये मैंने प्लेट लगा दी है, पराठे के साथ में मैंने अचार रखा है आम का, और साथ में है थोड़ा सा गुड़। गुड़ सर्दियों में खाना अच्छा होता है और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको दलिये में भी गुड़ डाल के ही देती हूँ मैं, आजकल चीनी नहीं डालती हूँ। और चाय में मुझे गुड़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं चाय में नहीं डालती हूँ, चीनी ही मैं चाय में डाल के पीती हूँ। मेरे पास कमेंट आता है, दीदी आप गुड़ डाल के पीजिएगा। हाँ, बहुत लोग पीते हैं और अच्छी भी लगती होगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों चाय में गुड़ पसंद नहीं है इसलिए। तो मैंने हस्बैंड जी को खाना खिला दिया है और मैंने अपने पराठे बना के रख लिए हैं, क्लीन कर दी है पूरी किचन को, गैस को भी क्लीन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे दूध मंगवा लिया था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं दूध को गर्म होने के लिए रख देती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले दूध निकाल दिया है। और ये बोल रहे थे कि तुम निकाल के चली जाओ, मैं गर्म कर दूँगा और तुम जाके खाना खा लेना। तो बस मैंने निकाल दिया है, और गर्म तो इन्होंने ही किया था खड़े होकर के किचन में, मैं खाना खाने के लिए चली गई थी। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का टाइम है, और दीदी बर्तन वगैरह क्लीन करके चली गई हैं। यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर दी थी अच्छे से, और ये मेरा स्पाइसेस बॉक्स भी अच्छे से, मतलब नहीं बोलेंगे ड्राई नहीं हुआ है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बहुत जल्दी बर्तन सूखते नहीं हैं। तो मैंने इसको क्या किया, किचन टॉवल होता है ना, उससे अच्छे से ड्राई करना है, क्योंकि इसमें मसाले भरने हैं ना इसलिए। तो इसको मैं अच्छे से ड्राई करने के बाद भी इस तरह से एक बार और छोड़ दूँगी एक दो घंटे के लिए, तो ये अच्छे से सूख जाएगा ना, उसके बाद इसमें मैं सारे मसाले भरूँगी। तो मैंने मिनिमम एक घंटे के लिए छोड़ दिया था, और ये अब अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें सारे मसाले भर दूंगी, तो ये जो मोटी वाली सरसों होती है ना वो भरती हूँ मैं इसमें, बारीक वाली राई भर दी है, ये है धनिया पाउडर, और हल्दी पाउडर इसमें भरूंगी, और लाल मिर्च का पाउडर इसमें भरूंगी। मतलब जो सारे मसाले लगते हैं ना, ज़रूरी के होते हैं, डेली में यूज़ में आते हैं, तो वो सारे मसाले मैं इसमें भर देती हूँ। नमक वगैरह मैं इसमें नहीं भरती हूँ, नमक का डिब्बा मेरा पास में ही रहता है, बड़ा डब्बा है वो, तो इसमें मैं नमक वगैरह नहीं रखती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने हल्दी भर दी है और इसमें एक मैं भरूँगी मैं ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा भी बहुत ज़रूरी है। और ये स्पाइसेस बॉक्स के साथ में छोटी छोटी सी चम्मच भी आई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सभी में डाल दी हैं सारी चम्मचों को। तो ये मैंने ज़ीरा भी भर दिया और एक में मैं भरूंगी ये साबुत वाला धनिया रखा हुआ है थोड़ा सा मेरे पास में, तो फिर मैंने सोचा चलो इसी में रख देती हूँ मैं। वैसे जिसमें मैंने धनिया रखा है ना उसमें मैं गरम मसाला रखती हूँ, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसमें मैं गरम मसाला रखूँगी। बस सबके जो कैप हैं वो मैं लगा दूँगी और ये मेरा स्पाइसिस बॉक्स तैयार हो गया है। डेली में बहुत अच्छा रहता है ये यूज़ करने में, जल्दी से मसाले निकालो सब्जी में डालो और रख दो तो सभी डब्बे जो हैं वो क्लीन रहते हैं, जो बड़े वाले डब्बे होते हैं ना, तो इस तरह से छोटे छोटे डब्बों में मैं करके रख लेती हूँ। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।